of you. Good morning, ma'am. Yes, today we will do seed germination activity. ये देखिए ये हमने कुछ seeds लिए हैं. किस चीज के seeds हैं ये? चने. चने के seeds. हम ये देखिए हमने इनमें पानी डाल दिया. ठीक है? और अब हम इसको क्या करेंगे? Overnight soak के लिए रखेंगे. ठीक है? At least 5 to 6 hours हम इसको soak करने के लिए रखेंगे घर पे. और जब ये सोक हो जाएंगे अच्छे से सुबह तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बड़े हो जाएंगे. अभी ये बिल्कुल छोटे छोटे है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, साइज में लार्ज हो जाएंगे. ऐसे ही हमने कल क्या किया था, ये चने हैं, ये मूंग की दाल है, हमने कल रात को ये भिगो दी थी, अभी ये सुबह निकाली है. ठीक है? अब हमने क्या किया, ये गीला कपड़ा लिया, ये कॉटन का कपड़ा है ना, कॉटन का कपड़ा है, इसको गीला किया और कॉटन के कपड़े में हमने इसको रैप करके अच्छे से निचोड़ दिया. देखो इसमें पानी नहीं है, नहीं है ना, थोड़ा सा पानी हमने इसमें, कपड़ा गीला है ना उतना ही काफी है. और इसको अच्छे से हम ढक के रखेंगे, इसको प्लेट के साथ, या फिर आप मम्मा जैसे होते हैं ना चपाती बॉक्स, घर में होते हैं ना चपाती बॉक्स, चपाती बॉक्स में भी रख सकते हो इसको. चपाती बॉक्स में इसको रखो और फिर क्या हो जाएगा, इसमें से स्प्राउट्स बन जाएंगे. स्प्राउट्स क्या होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं. ठीक है? आपको स्प्राउट्स क्या करनी है, स्प्राउट्स बहुत हेल्दी होते हैं ना, वेजिटेबल्स कट करके, वेजिटेबल्स आप कट करके इसमें क्या करेंगे, अपना स्प्राउट्स बनाएंगे. यस स्टूडेंट, यू नो कि अभी हमने इसको क्या किया है, मैंने आपको बताया, मैं बोल रही हूं कि हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है. ठीक है? और फिर इसको हमने डाल कर रखना है पानी के अंदर. फिर इसका हमने नेक्स्ट में क्या कर देना, पानी को ऐसे सारा पानी बोर्डर जो है हमें ऐसे निकाल देना है. ठीक है? और फिर जो ये हमारे पास चना है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक कॉटन क्लॉथ लेंगे और उसके अंदर ऐसे हम रख देंगे और इसको फिर ऐसे रैप कर देंगे. क्या कर देंगे इसको, ऐसे आप इसको फिर ऐसे बांध के ऐसे नोट कर देंगे इसको कपड़े से. अगर आप आपसे अगर नोट ना लगे तो आप अपनी मेमोरी की हेल्प ले सकते हो, अपनी ग्रैंड मदर दादी माँ जो है उनकी हेल्प ले सकते हो. आफ्टर दैट इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गीला कर देंगे वाटर को, वाटर से हम इसको वेट कर देंगे क्लॉथ को और फिर 9 to 5 or 6 hours तक इसको हम रखेंगे ऐसे रैप करके. ओके? और इसके बाद जब हम इसको नेक्स्ट डे ओपन करके देखेंगे तो हमें इसके अंदर से ये जो चना है वो क्या हो जाएगा, स्प्राउटिंग बन जाएगा, स्प्राउटिंग फूड बनेगा. फिर इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आप रॉ कच्चा वेजिटेबल कौन सा खाते हो, रॉ वेजिटेबल कैरेट, वेरी गुड, और स्प्राउट्स बन जाएंगे. ओके? हैव यू अंडरस्टैंड?